आज तब्दीली के सफर को थोड़ा सा और नुमाया करना चाहता हूँ। मेरे साथ जो बच्चा खड़ा है, इसकी उम्र 10 साल है, ये राजनपुर से, जिला राजनपुर से, जनूबी पंजाब में से, इस्लामाबाद सिर्फ खान साहब का जलसा अटेंड करने के लिए रात को इस वक्त 3 बजे अपने वालिद के साथ यहाँ खाने वाले मेरे साथ खड़ा है। और मेरे राइट साइड पे जो हाफिज मोहम्मद असलम साहब खड़े, इनका ताल्लुक भी राजनपुर से और इनकी उम्र 60 साल है। तो 10 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक, और हाफिज साहब इस वक्त रेडी लगाते हैं जो आइसक्रीम बेचते हैं, और अपनी 3 दिन की दिहाड़ी तोड़ के सिर्फ खान साहब की मोहब्बत में इस वक्त इस्लामाबाद जा रहे हैं। आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि 10 से लेकर 60 तक का सफर जब इस तरह के लोग निकलेंगे तो तब्दीली कैसे नहीं आएगी। वो समझ रहे हैं कि शायद हमारा इख्तिताम होगा, मैं समझ रहा हूँ कि हमारा कल से आगाज होने जा रहा है और असल तब्दीली कल 27 मार्च को इस्लामाबाद में नजर आएगी। महंगाई तो है, नो डाउट है, लेकिन जब पाकिस्तान का इमेज है वो बाकी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही अच्छा खान साहब ने प्रेजेंट किया है। अब लोग पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट कंट्री नहीं जानते बल्कि एक लविंग कंट्री के तौर पर जानते हैं, और हमारा जो इमेज है वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि पाकिस्तान का जो है वो पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में जाए। ये हजारों गाड़ियों का काफिला जो 18 पहुंचे सरदार अब्दुल कयूम नियाजी के हल्के से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका है। आप देख सकते हैं गाड़ियों की तादाद, एक बड़ा काफिला है जो कैमरे में भी नहीं आ रहा है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक गाड़ी खाई गाला से लेके अजीरे तक गाड़ियां ही गाड़ी।